आगे एफआईआर की तस्वीर और इसके एक एक शब्द बयां कर रहे हैं कि आखिर एक महिला के साथ क्या हुआ, बकरी चराने गई महिला के साथ रेप का प्रयास किया गया। 16 तारीख के दिन की बात है, सुबह मैं काम पे गया था मानसरोवर, तो वहाँ से मेरे पास 12 बजे फोन आया तो मेरे भाई बकरिया चराने रामटेक मंदिर बिलासपुरा गांव में गई थी, तो वहाँ पे मेरे पास फोन गया कैसे राम बुद्धा राम जाट वो कोई तार सही कर रहे थे, तो वो अचानक से हार ये साइड में खड़ी थी तो बात भर डेराम पड़ गए और वो नगो एगो। फिर जगह थी जयपुर का कोट खावड़ा, जहाँ 16 अक्टूबर का वक्त जब बकरी चराने घर से निकली महिला की आबरू लूटने के प्रयास किया गया, महिला के साथ जबरन रेप की कोशिश की गई। गांव कोट खावड़ा के रहने वाली महिला के साथ इस दरिंदगी को हैवान अंजाम देने की फिराक में था। पीड़ित महिला घर से बकरी चराने रामकेट मंदिर के पास गई, जहां आरोपी बुद्धाराम जाट ने महिला की आबरू लूटने की कोशिश की। पैर के साथ जोर जबरदस्ती कर लग गयो, उसका गड़ाम तोयलो छे जे तोयला से को मुंड और बीच में लग गयो, फिर अचानक से ये के इस कोई संपट बैठ गए जो उठ और ये अब्बा गए जो ताराम पड़ गई और ये का मुंडा वो पलास की दे पड़े मुँह से खून निकल रहा था, फिर ये ट्रैक्टर ओड़ी भागी तो ऊँडी कोई बीच बचाव कर बकोन आयो, फिर यह गांव के मंदिर में जा ऊंड पड़ी ना, फिर गांव का संभाले फिर घर लेर गया है ना। महिला के सामने नग्न हो गया, लेकिन महिला ने चीख पुकार मचाई, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं, जिसके बाद महिला के विरोध करने पर आरोपी ने महिला के साथ मारपीट की। जिम्मेदार मीडिया होने के नाते हम यहाँ पीड़ित महिला की पहचान नहीं बता सकते, लेकिन हकीकत तंग कर देगी। और सवाल है कि भूतराम जैसे हैवानों को आखिर कब सलाखों की हवा खाने को मिलेगी। अब आप पीड़िता के शब्द से उस मंजर को सुन ले जब पीड़िता की आबरू लूटने की कोशिश की गई। बकरी चरा गए डंडे के साथ मार पे से आके मन पकड़ लिया ना पकड़े और पटक लिया, आप ने गए गया मेरा भी लता ऊंचे कर दिए और पचाटो देकर छुड़ा के गांव के बीच में आगी जान बचा के वो उठा के भी कोशिश करिया मेरो तोलिया मुंडो में सब तैयारी करी ली है। पीड़िता ने बड़ी हिम्मत से आरोपी की ज्यादती की कहानी बताई। अगर पीड़िता ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद हैवान बुद्धाराम जाट अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता, लेकिन आगे की हकीकत यह है कि पीड़िता को धमकी दी गई, समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। वो का मम्मी पापा आता ही वो यहाँ कह ले चल मैं दवाई दवा ले आऊँ जी, फिर दवाई भी मना कर दिया तो आर फिर दम के देव लगा भाई था को बेटे जी कर लियो माँ बुद्धा रामचंद्र जी को मामार दो पुलिस में जा, तो वो आर दम के देव लगा कहते था को बेटे जी कर लियो और कहते मार कर 45 लाख से जिम 2-4 लाख कमे जाओ लो तो काई पर रखना पड़े मारे। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि 100 नंबर पर फोन किसी ने नहीं उठाया, साथ ही आरोपी बुद्धाराम जाट ने परिवार के लोगों ने पुलिस को पीड़ित परिवार तक पहुंचने नहीं दिया। उसके बाद पीड़ित परिवार ने कोट खावड़ा थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और फिर उन्होंने 100 नंबर पर फोन कराया तो 100 नंबर वाला फोन अटेंड ही न कराया, पहले आ के एक मामार था जो वो मामार फोन कर दिया था हम भाई गाड़ी मत भेजियो, तो वो गाड़ी कौन आई, फिर मैं गाड़ी किराए से कर कोटखावदा थाना में चलेगा, कोटखावदा थाना में जा और फिर ऊंडर लिखाए FIR, फिर वो लिख लकार फिर वो गाड़ी लेर गया मोको मायने देख रहा है जा और अभी तक गिरफ्तारी कौन ही छोरा की और छोरा ने फरार कर मिलिया चे और ये शाम ने गया चा मक माड़ा जी मेरे का कम ये रिच ज़्यादा अब ये दबाव बना रहा जाकर राजीनामा कर लियो ने मारपीट कर ला था नहीं है गेला मिल गया तो उनको पीटा ला यही उन्हें दबाव बना रहा था। पीड़ित परिवार का दबाव बनाया जा रहा है, पीड़िता के पति ने न्याय की गुहार लगाई। मैं ये चाहता हूँ मेरे साथ न्याय हो अन्याय नहीं हो और जल्दी से जल्दी न्याय मिले मुझे और मैं मेरी मैम की कंडीशन देख लो कैसी कंडीशन है, इसको लात घोंस हेरी ये मारा और उसको पेट में सो जाना आ रहा है रात को भी कुछ नहीं खाया। पीड़िता के पति की माने तो आरोपी जाति सूचक शब्द इस्तेमाल कर चुका है, साथ ही इलाके में दबंगाई भी करता है। हाँ दबंगाई करते रात को 1-1, 2-2 बजे तक ही
स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर दुकान है, दुकान पे बैठे रहते हैं, चाव जैसे गाली गलौच रे करते हैं, बहन बेटी हो तो उसको सीटियाँ मारते हैं, और रात को सेटिंग फेटिंग अटम सटम फ़ोन पे बतड़ाते हैं, दो चार लोंडे और बुला लेते हैं, दो दो तीन तीन बजे वहाँ पे बैठे रहते हैं सब। पुलिस के पास गए थे पर अभी तक हमें रिपोर्ट दी है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे रिपोर्ट लेने के बाद 10-12 लोग वहाँ पे बैठे थे, फिर थाने में गए होंगे और पैसे वैसे दिए थे, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन थाने में गुहार लगाने के बाद भी अब तक पीड़िता और उसके पति को कोई इंसाफ नहीं मिला। लेकिन एक सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी हैवानियत पर पुलिस ने एक्शन में देरी क्यों की, और क्या आरोपी को अब तक नहीं पकड़ा गया, और क्यों भूतराम चार जैसे लोग अगर इस हैवानियत और इस मंजर को करने के बावजूद खुला घूमेंगे तो फिर पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठेंगे। ये सवाल ना सिर्फ पीड़ित परिवार उठाएगा बल्कि गाँव की एक एक जनता पुलिस से सवाल जरूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलाबी टाइम्स। कमर दर्द, स्लिप डिस्क, जोड़ों में दर्द, हाथ का सुन होना, गर्दन में दर्द जैसी समस्या से परेशान हैं आप तो घबराए नहीं। सुमन हॉस्पिटल है ना, जहां बिना किसी ऑपरेशन और बिना किसी चीड़फाड़ के मिलता है इलाज, जहां अनुभवी डॉक्टर गुलशन जांगिड अपने अनुभव से करेंगे आपकी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी प्रकार के हड्डी के दर्द, गंजेपन की समस्या का कर रहे हैं सामना, तो डॉक्टर गुलशन जांगिड से तुरंत कर सकते हैं संपर्क, जिनके बेहतर अनुभवों ने हजारों का किया है उपचार, जहां आपको किसी ऑपरेशन या फिर चीरफाड़ से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर गुलशन जांगिड जोड़ और कमर दर्द की समस्या का बिना किसी ऑपरेशन के न्यूरो पंचकर्म थेरेपी से करेंगे इलाज। तो देर ना करें, तुरंत स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर संपर्क करें और कराइए अपना रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सुमन हॉस्पिटल है आपका अपना हॉस्पिटल, जहां बेहतर इलाज देना ही है डॉक्टर गुलशन जांगिड का लक्ष्य। डॉक्टर गुलशन जांगिड, जालान स्कूल के पास, रामगढ़ रोड, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 7733002662। फोन नंबर 01571294293। तो दर्द से पाना है छुटकारा तो चले आइए सुमन हॉस्पिटल।